गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए हम लोग कुछ ऐसे समाचार को देखते हैं जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये अमर उजाला पेपर का जो कुछ हेडलाइंस है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। तो पहला है, नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती का फैसला जल्द लेगी राज्य सरकार। जी हाँ दोस्तों, जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे, उन्होंने लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश को लखनऊ बुलवाया और उस पर विस्तृत चर्चा की लोक सेवा आयोग से संबंधित खबरों पर। विस्तृत चर्चा उनके साथ की, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी और जो लोक सेवा आयोग का काम जो बेपटरी हो गया है, पटरी से उतर गया है, उसको शीघ्र ही एक पटरी पर लाया जाएगा, ऐसा उनका कहना था। दूसरा है, लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे जो पिछले कुछ दिनों पहले आंदोलन कर रहे थे उनमें 8 छात्र नेताओं की जो गिरफ्तार कर लिया गया था उनको कल रिहा कर दिया गया है। ये भी एक विशेष न्यूज़ है दोस्तों। तीसरी न्यूज़ जो है वो जो लोक सेवा आयोग के कर्मचारी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एसटीएफ के खिलाफ, उन्होंने राज्यपाल महोदय से ये मांग की है कि वो अपना कुछ समय निकाल करके एक समय निश्चित करें ताकि उनसे वो मुलाकात कर सकें और अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को उनसे साझा कर सकें, ऐसा कहना है। कर्मचारियों के जो अध्यक्ष हैं, कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं दिनेश यादव, उनका ये कहना था, वो मांग कर रहे हैं कि राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राज्यपाल महोदय एक समय निश्चित करें। अगला है, दिल्ली में जो आंदोलनरत परीक्षार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है, वो एक कैंडल मार्च किए थे, ये इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। जी हाँ दोस्तों, ये शाम 7:30 बजे से गांधी विहार मुखर्जी नगर में, ये गांधी विहार के सेंट्रल पार्क है, वहीं से उन्होंने अपना यात्रा कैंडल मार्च शुरू किया और बात्रा सिनेमा हॉल तक ये पहुँचे। इनकी मुख्य मांगे थी कि सचिव, अध्यक्ष और अन्य जो अधिकारी और कर्मचारी हैं लोक सेवा आयोग के, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और नए सचिव और अध्यक्ष और तमाम अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाएं सरकार के द्वारा और तब जो है ये कामकाज आगे बढ़ाई जाए। और दूसरी मांग इनकी प्रमुख मांग थी दोस्तों कि जितनी भी परीक्षाएं अंजू कटियार के परीक्षा नियंत्रक के कार्यकाल में हुई है, लोक सेवा आयोग ने ली है, उसको तुरंत निरस्त कर दी जाए और वो उन सारी परीक्षाओं को फिर से लोक सेवा आयोग ले, ऐसी दो मांगे उनकी प्रमुख मांगे थी। अगला है, लोक सेवा आयोग के खिलाफ कैंडल मार्च 9 जून को होगा इलाहाबाद में दोस्तों। ये भी एक विशेष न्यूज़ है, याद रखिएगा, इसमें तमाम छात्र न सिर्फ लोक सेवा आयोग से संबंधित बल्कि एसएससी से संबंधित, पुलिस भर्ती से नाराज चल रहे अभ्यर्थी परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित होंगे दोस्तों। इसके लिए ये जो कैंडल मार्च होगा, ये याद रखिएगा कि बैंक रोड चौराहे से शुरू होकर ये बालसन चौराहे तक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इसके पहले वाला जो कैंडल मार्च हुआ था वो यूनियन हॉल यूनिवर्सिटी के गेट के पास, जो पीछे वाली गेट है उसमें है, जो यूनिवर्सिटी रोड की गेट है, वहाँ से ये कैंडल मार्च चला था और ये चंद्रशेखर आज़ाद प्रतिमा तक गया था, जी हाँ कंपनी बाग तक गया था। लेकिन ये जो कैंडल मार्च है जो 9 जून को प्रस्तावित है वो दोस्तों याद रखिएगा शाम 6 बजे का समय है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचने की कोशिश करें, ये हम आग्रह करेंगे, विनती कर रहे हैं बच्चों से।
और याद रखिएगा कि ये शाम 6 बजे से बिल्कुल बैंक रोड चौराहे से शुरू होकर के बालसन चौराहे तक जाएगा। इसके लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, इसमें आयशा दिशा छात्र संगठन और युवा मंच सहित तमाम जो छात्र संगठन है वो इसमें सहभागिता करेंगे। दोस्तों अगला है सचिव पर सेवा नियमावली के खिलाफ जो है काम करने का आरोप लगा रहे हैं छात्र संघर्ष समिति के प्रवक्ता अवनीश पांडे जी। वो चाहते हैं कि सचिव साहब को बर्खास्त किया जाए और उनके जगह जो है नए सचिव को लाया जाए, ऐसा उनका मानना है। गलत बयान एक और न्यूज़ है जो मजीदिया इंटर कॉलेज है या डिग्री कॉलेज है याद नहीं है इसको, ये देख लीजिएगा, करेली में है। उसमें जो है वहाँ के एक टीचर एक शिक्षक ने आरोप लगाया था लोक सेवा आयोग पे कि परीक्षा के समय जो सामाजिक विज्ञान और हिंदी तमाम और कुछ और विषय के जो परीक्षा हो रहे थे उस परीक्षा के समय कुछ अभ्यर्थी जो है कुछ परीक्षार्थी जो है वो ये कहते हुए पाए गए कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाए, अंदर से सेटिंग हो गई है और ऐसा कहना था उनका। लेकिन आज उन्होंने इससे संबंधित माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के जगह वो गलती से भूलवश लोक सेवा आयोग लिख दिया है, तो उसके लिए वो सचिव साहब से बिल्कुल हलफनामे के साथ एक माफ़ी पत्र दिए हैं। तो ये न्यूज़ है दोस्तों। और अगला न्यूज़ है कि एलटी ग्रेड परीक्षा के शेष विषयों के परिणाम जल्द जारी किए जाएं, ऐसा मांग जो है वो एलटी ग्रेड समर्थक मोर्चा के बैनर तले परीक्षार्थियों ने कल शुक्रवार को वो धरना दिए, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे लोक सेवा आयोग से कि जो शेष विषय हैं एलटी ग्रेड के सामाजिक विज्ञान और हिंदी को छोड़ करके जो अन्य विषय हैं उसका जल्द से जल्द जो है वो रिज़ल्ट जारी करे, ऐसा उनका मांग है दोस्तों। तो ये अमर उजाला का न्यूज़ था दोस्तों। अगले हम वीडियो में जो मुख्य न्यूज़ हैं लोक सेवा आयोग से संबंधित वो हम देंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।